आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा रवि भैया से तो हमारी कोविड के दिनों में मुलाकात हुई थी, हम लोगों ने एक बड़ा मजेदार एपिसोड शूट किया था आप तीनों से, उसके बाद अभी मुलाकात हो रही है। लॉकडाउन जब लगा था कैसे काटा, बड़ा मुश्किल टाइम था वो। द कपिल शर्मा शो देख के, अरे और ये बात सच है। तो कहाँ थे उस समय आप? हम लोग मुंबई में ही थे। अच्छा, और माता पिताजी सब लोग साथ में ही थे। अच्छा जी। जैसे ही आपके शो का टाइम होता था तो वो लोग यही बोलते थे, गो कोरोना गो, लगा दे बचवा कपिल शर्मा शो। हाल तो ये था कि एपिसोड्स देख के जब हमारे खत्म हो गए तो हम यूट्यूब पे बिहाइंड द सीन्स भी देख रहे थे। उसके अलावा और भी कोई दूसरा काम तो करते होंगे, जैसे बहुत सारे लोग कुकिंग कर रहे थे। मैंने किया, जब लॉकडाउन लगा तो मेरी मम्मी से मैंने कहा कि बहुत बुरा हुआ, कम से कम जिम तो खुले रहने चाहिए थे। अच्छा। मम्मी ने कहा कि तुम जो जिम में जाके करती हो ना, आओ तुम्हें मैं करवाती हूँ यहाँ पे। मेरा क्या, उन्होंने पोछा लगवाया मुझसे। अच्छा। कपड़े धुलवाए, कपड़े धुलवाए हैं, और मेरा घर 3 फ्लोर का है, 3 फ्लोर का पोछा लगवाया है। कहा अब जो पतली होंगी तुम जिम भूल जाओगी। रानी ये बताना चाह रही है कि मैं पतली हो गई, नहीं। मैंने एक्चुअल में, पर पिछली बार जब आप आई थी और इस बार जब आप आई हैं बहुत फर्क नजर आ रहा है। थैंक यू। देखो किसी न बहाने जो भी हुआ होगा रीजन, मनोज बाबू का अपने छोटे भाई है, मैं प्यार करता हूं उनको। पर आपकी उनसे बात हुई जब आपको पता चला उनको पॉजिटिव हो गया ऐसे? हाँ, मैंने फोन किया था बस कि आने वाले थे, वो नहीं आया तो मैंने उनको फोन किया तो फोन उठाए नहीं। इनको पता था कि मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि हाँ। बात ये हो चुकी थी हम लोगों की कि हम लोगों को इस तारीख को यहाँ मिलना है जी, और अगर वो मेरा फोन उनका उड़ गया होता तो आपको पता नहीं कि फिर मैं उनको क्या आयुर्वेदिक डोज देते। और मैं समझ सकता था कि अगर आ गए तो क्या होगा, क्या, क्योंकि जैसे हम लोग सीसीएल में जब जाते हैं तो कैप्टन है वो मनोज भैया जी, वो पूरा टीम लेके बैठते हैं, उसके बाद अचानक भैया की एंट्री होती है, क्या रे तैयारी भूली है? हाँ भैया, अगर बेटा तुम लोग नहीं जीते तो सबकी टांगें तोड़ के यहाँ से भेजेंगे। और सबसे ज्यादा मनोज भैया को, मनोज भैया बोलते अरे भाई जीतेंगे क्यों, ऐसा आप बोल रहे? नहीं 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 बेटा, तुम बॉलिंग भी तुम ही, बैटिंग भी तुम ही, इस बार अगर हारे। ये ना लास्ट टाइम भी जब निरहुआ आए थे तो इन्होंने यही कहा था कि मैं ना जब फिल्म में हम साथ में एक फिल्म कर रहे होते हैं तो डायरेक्टर मेरी जिम्मेदारी लगाता है कि रवि भैया और मनोज भैया के बीच में कुछ अनबन ना हो जाए, तो मैं मेरे को बैलेंस करने के लिए रखा है। तो राजनीति में भी पार्टी ने आपको इसलिए तो नहीं बुलाया कि इन दोनों में बैलेंस बना के रखना है आपको? मुझे यही लगता है। हाँ मुझे लगता है, क्योंकि मेरे आने के बाद थोड़े इनके झगड़े कम हुए। मनोज जी ने मुझे मैसेज किया था कि मुंबई आ रहे हैं, आप कहाँ हैं? मैंने सोचा कि आराम से मैसेज का रिप्लाई करूंगी। हमें नहीं कभी मैसेज किया उन्होंने, हम आ रहे हैं मुंबई। हमारा नाम रानी जो ना हुआ। इनके डेब्यू हीरो हैं ये, उनकी पहली हीरोइन है एक्चुअली। हाँ, वो मेरे पहले हीरो हैं। हाँ हाँ, मतलब जो भी। पर आप उनकी पहली हीरोइन कोविड में डेब्यू अकेले कर गए वो। डेब्यू करने बुला रहे थे बट मैं गई नहीं। एक साल में कितनी फिल्में हो जाती हैं तुम्हारी? अभी तो मैंने बहुत कम कर दी हैं, साल में सिर्फ 2 या 3, लेकिन 4 साल पहले तक मैंने जितनी फिल्में की थी, ओहो मैं खुद पागल हो गई थी कि मैंने इतनी फिल्में कैसे कर ली। क्योंकि इनको 15 दिन डेट देना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को 30-35 दिन देना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये अभी कितने पतले हुए? ये अचानक मैं पिछली बार आया था, थोड़ा सा डबल चिन दिखाई दे रहा था, क्या कारण है, क्या रूप धारण कर रहे हो? डबल चिन था, ट्रिपल पेट था भाई। हाँ, मैं क्या देश जानना चाहता है कि कब वापस से कब नहीं, आ रहे? अभी तो आएगा वो कुछ कर रहे हो? नहीं, कुछ सिनेमा नहीं, वो तो मैं अभी मैं पहले एक्टिंग करोगे ना? लेकिन हाँ वो तो चलता रहता है कुछ ना कुछ, पर मेरे को ये लगता है कि पहले मैं ना जब कोई फिल्म वगैरह मिलती थी तभी करता था वेट कम, अब मैंने सोचा अपने लिए करना है। तो मैं बड़ा बीच में पतला हो गया था और फिर एक इंजरी हो गई और ऊपर से कोरोना हो गया, और उसके बाद मैंने वापस शुरू किया है, बस कोशिश कर रहे हैं। बट आप फिट लग रहे हैं। लेकिन आपकी थैंक्स बेबी। एक चीज और है, भैया इतना मतलब सीरियस रहते हैं कि अभी जब लॉकडाउन लगा था जी तो मैं फोन किया, इनका एक वीडियो देखा मैं, भैया क्या कर रहे हैं? बोला कोई बोला है आ गया है कोरोना पेड़ पे, उस पे सैनिटाइजर मरवा रहा हूँ।
हाँ, मैं सैनिटाइजर की पूरे टैंकर लेके पूरे गांव को, पेड़ पौधे जितने भी सब जगह में सब जगह सैनिटाइजर मरवा रहे, मतलब कहीं से किसी पर कोई प्रकोप ना आए। तो लोग बोले भैया वो पेड़ बाव के छोड़ दा, तो पेड़ में बोला नहीं पेड़ पर भी होगा कीड़ा, उसको भी मार, वहां भी मार, सब जगह। मैं रेसिडेंट हूँ गोरखपुर की एंड वी लव हिम, वी लव हिम लाइक क्रेजी। गोरखपुर मतलब अपने दिल में अपने सर पे सब जगह बैठाता है रवि किशन जी। क्या बात, इतना प्यार है गोरखपुर जी। और रवि भाई पॉलिटिशियन बाद में पहले कलाकार हैं, तो कलाकार बड़े सेंसिटिव होते हैं। मैं रवि भाई आपका एक क्लिप देख रहा था, बड़ा वायरल हो रहा था, ये स्पीच दे रहे हैं कोई यूपी में और यूपी के मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा हंस रहे हैं काफी लोग। वो क्या बोला था रवि भैया आपने? मैंने नहीं देखा, प्लीज बताइए ना। हंस रहे हैं, मैंने पहली बार देखा उसको इतनी बार। मैं उसको बहुत अपोजिशन ने वायरल भी किया, मेरी हर बात को वायरल बहुत कर देते हैं। खैर हुआ था अर्चना जी ये, आज चलो इसी कपिल जी के शो के बहाने वो बात साफ भी हो जाए कि क्यों महाराज जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अद्भुत व्यक्तित्व हास क्यों रहे थे। वो हुआ था कि 62 करोड़ का हम लोग ने वहाँ पे श्मशान बनाया। अच्छा। तो मुख्यमंत्री जी बोले कि आपको भाषण देना सांसद जी, तो मैं सोचा श्मशान पे लिए क्या भाषण होगा अभी। तो मुझे तो समझ में नहीं आया क्या बोल आ गया। बहुत पब्लिक थी और अपनी सब कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग गोरखपुर में, मतलब यहाँ पर बहुत खर्च हुआ है, कई करोड़ रुपया लगा के बनाया है और जो भी यहाँ जिसकी भी मृत्यु होगी वो सीधे स्वर्ग जाए। बोलते जलने में भी मजा आएगा। हाँ, जलने में भी मजा आएगा। हाँ, और हम बोले आनंद आएगा, दो मतलब मशीन, नई मशीन आई है इलेक्ट्रिक की और उसमें आप। तो फिर बाद में लोगों ने पूछा, मैंने बोला मेरा कहने का तात्पर्य था ये पवित्र जगह है और आप लोग उसको गलत मतलब लिया। और जो मुझे प्यार करते हैं, जनता मुझे जानती है कि मैं क्या व्यक्ति, तो सब खुश हो गए। मुझे जो जानता है पर्सनली उनको पता है मैं इसी तरह बोलता हूँ, मेरे मन में कुछ रहता नहीं। बहुत मैंने हार्शली बोल दिया उसके लिए मैं। पर आपने हार्शली कुछ नहीं बोला था, मेरे को भी इतना मजा। इन्होंने कहा कि ऐसी मशीन लाए हैं, अंदर जाओ 2 मिनट में हर हर महादेव, सीधे भगवान के दर्शन। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी मैं जैसे मैं कितनी जगह अपने हम लोग जाते हैं अभी भी, तो प्यार बहुत है, वो मोहब्बत कम नहीं होती है। अभी अभी शूटिंग कर रहा था, भैया ने बताया कि कितना प्रेम करते हैं वो, और वो उनका देख के कभी कभी आंख भर भी जाती है। अभी मैं शूटिंग कर रहा था बांदा में, वहाँ मुझे कोविड हो गया। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है बंद करो, मैं निकलता हूँ। तो सब बंद बंद करके शूटिंग हम लोग निकलने लगे, तब तक गांव के लोग बहुत सारे आ गए। अच्छा। अरे भैया एक फोटो दे दो। हम बोला नहीं नहीं हमको कोविड हो गया है। हाँ। तो आप दूर रहिए। अरे भैया फोटो हुआ देता मर जाए तब वो चली मर जा। हम बोले अरे कभी ऐसा हुआ किसी ने कम पैसे दे के रिक्वेस्ट किया हो कि मेरी फिल्म में छोटा रोल कर लो, एक कैमियो कर लो, बाद में पूरी फिल्म में आपसे काम करवा लिया हो? दिनेश जी के साथ मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ अक्सर होता है, मेरे साथ बहुत हुआ है। मुझे पहले बोले कि भैया आपका एक ही दिन का काम है। अच्छा। आप आ जाओ। और लेके गए वहाँ पे, शूटिंग चालू हुई तो हम सोचे एक दिन का काम है करके निकल जाएंगे। वहाँ जाके फिर रोना धोना चालू, भैया मर जाएंगे, बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, 2 दिन और दे दीजिए, ऐसे कर करके पता चला 30 दिन शूटिंग कर लिया। इसलिए इनके एक्सपीरियंस से हम सीख चुके हैं, तो जब हमारे पास कोई आता है ना, कम पैसे ले लीजिए, 1 दिन दे दीजिए, मतलब पूरा पैसा देके पूरा पिक्चर करा ले, तू टेंशन मत ले रे जा। फुल पेमेंट दे, फुल फिल्म करा, ऐसे छोटा मोटा काम मत करा हम लोग से। दिस जस्ट शोज हाउ पॉपुलर यू आर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा आप सबको पता है आम्रपाली और निरहुआ भैया की जो फिल्में हैं इनके नाम आप सबको पता है, बड़ी सुपरहिट फिल्में हुई हैं, निरहुआ चलल ससुराल, निरहुआ चलल लंदन, निरहुआ हिंदुस्तानी। लॉकडाउन से पहले इन दोनों की एक फिल्म आई लल्लू की लैला। अच्छा। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक हीरो एक हीरोइन के साथ बहुत सारी फिल्में कर लेता है फिर वो लल्लू हो जाता है? इस बार टाइटल मेरे को सही है, सही है। नहीं पर सबसे ज्यादा निरहुआ हिंदुस्तानी चली, लल्लू की लैला उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं चली, तो लल्लू होने के बाद काम चलता नहीं है, निरहुआ ही चले जा रहा है। तो हमको उसी पे फोकस करना पड़ता। निरहुआ भैया हमको एक पता चला एक बात की, आपकी एक ख्वाहिश थी कि कभी कोई बच्चन साहब वाला जो रोल है ना अग्निपथ वाला, या आप निभाए। हाँ। आपको डायलॉग याद ही है, तो एक हमारे दर्शकों के लिए हो जाए एक बार। नाम पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा,
उम्र 36 साल 9 महीने 8 दिन और ये 16वां घंटा चालू है। क्या बात है? वाह, जब अग्निपथ ये वाली बनी ना ऋतिक रोशन वाली, तो आपका वाला रोल संजय दत्त ने किया इस बार। अभी आने ने तेरी से मारी है ना, ये भी एक फिल्म कर रहा है। कितनी साइन किए तूने? मेरे को जो भरपूर पैसे दे, तो मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। रवि भैया, निरहुआ भैया, आम्रपाली रानी, आप सब लोग व्यस्त रहते हो, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। हम आपको आज एक गेम खिलाएंगे, म्यूजिक ऑन। ओ माय डियर गोपाल। ओके, बहुत बढ़िया। ओ माय डियर, ओ माय डियर। हाँ, फिर बंदर पी गया बियर। बंदा बंदा मेरी। हाँ, ओ माय डियर बंदा मैं तेरी। धीरे धीरे बोलो ना, एक एक वर्ड। माय डियर, ओ माय गॉड बंदा मैं तेरी। मतलब ही बंदा मैं तेरी, बंदा मैं तेरे लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड रवि, ओ गो मैन गॉन, गो मैन गॉन। आगे क्या था? बंदा मैं तेरी, बंदा मैं तेरे लिए, बंदा मैं तेरे लिए, तेरे लिए। हाँ, बंदा मैं तेरे लिए। हाँ, ओ माय गॉड बंदा मैं तेरे लिए। ओ बोलिए। ओ माय गॉड बंदा मैं तेरे लिए। ओ माय गॉड बंदा मैं तेरे लिए। ओके, म्यूजिक ऑफ। तो लाइन ये थी कि ओ माय डियर बंदर पी गया बियर।